हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रोड जैसा छोले, जैसे कि ठेले वाले के पास मिलता है वैसे ही छोले हम बनाएंगे, बहुत ही आसान से स्टेप में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे छोले कितना बढ़िया बना है वो तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल रोड जैसा ही हमारा छोले बना है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम छोले लिया है और ये मैंने मीडियम साइज वाला लिया है। छोले 2-3 साइज में आते हैं और इसको मैंने पूरे रात के लिए भिगो दिया था, तो इसको आप ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दे। अब मैंने इसको डाल दिया है प्रेशर कुकर में और छोले यहाँ पर 250 ग्राम है तो यहाँ पर मैंने 500 से 600 ग्राम पानी लिया है, मतलब छोले के डबल पानी लेना है। ये है 4 मीडियम साइज़ के आलू और ये है कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो आलू को और यहाँ पर खड़े मसाले को हम डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक डाल देंगे और बस हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम गैस पे रख देंगे। तो पहले हम इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे, इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसमें हम 7 से 8 सीटी लगा लेंगे जब तक हमारा छोले गल ना जाए। अगर आप इसको जल्दी गलाना चाहते हैं तो आप इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं 1/2 छोटी चम्मच। तो यहाँ पर हमारा छोले तो उबल चुका है और हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब उसका प्रेशर ख़त्म होने के बाद उसको हम खोलेंगे और यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं इसमें जो हम तड़का लगाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, तो ये सब है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का टमाटर, यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 8 से 10 लहसुन और 1 इंच अदरक के टुकड़ा को हमने कूट कर ले लिया है। और ये है 1 गिलास पानी यहाँ पर मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैंने छोले में चाय पत्ती नहीं डाला था उबालने के टाइम, जैसे कि पोटली डाला जाता है। तो ये तरीका जो है आसान है, आप चाय पत्ती को अलग से पानी में उबाल करके और छान करके डाल सकते हैं। अगर आप छोले के साथ उबालते हैं तो उसमें जो खुलने का भी डर रहता है तो फिर लफड़ा बढ़ जाता है, आपका झंझट ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर बाई चांस खुल गया। और यहाँ पर प्रेशर कुकर का प्रेशर जो ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पर हम खोल कर इसको चेक कर लेते हैं छोले हमारा गला कि नहीं। आलू तो गल चुका है तो छोले भी हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है। अगर आप चेक करेंगे, अगर नहीं गला तो इसमें 2 से 3 सीटी और लगा लीजिए। वैसे 7-8 सीटी में आराम से छोले जो है गल जाता है। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा मिला लेंगे इस तरीके से ताकि आलू जो है मैश हो जाए अच्छे से और छोले भी, जैसे पूरे तरीके से नहीं थोड़ा बहुत मैश हो जाए तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला लिया है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमने यहाँ कढ़ाई रखा है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, गैस के फ्लेम को, और इसमें सारे खड़े मसाले हम डाल देंगे। और इसका जब कलर चेंज हो जाए इसके बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर इसका जो कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमें भून लेना है। तो यहाँ पर प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, देख सकते हैं अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। और अदरक लहसुन को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे।
इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और सूखे मसाले। तो नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, हल्का सा तीखा होता है और कलर इससे बहुत ही बढ़िया सा आता है। और 2 से 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले को हम मिला देंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया है, मसाला डालने से पहले ही फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो मसाला बहुत जल्दी जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई, जो हम घर में मलाई रखते हैं घी बनाने के लिए। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, या ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मलाई डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच छोले मसाला। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। आप इसमें टमाटर का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। तो मैंने ये 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है ताकि जल्दी से ये गल जाए। और अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे और टमाटर को गलने तक हम इसको पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छे से मैश न हो जाए। इस तरीके से आपको दबा दबा करके इसको मैश कर लेना है। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा टमाटर को गलने में। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मसाला हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुका है। देखिए तेल बिल्कुल अलग हो गया है और इसका कलर टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अगर नीचे से लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भूनने से इसमें थोड़ा सा स्मूदनेस आ जाता है, मसाला थोड़ा स्मूद हो जाता है। तो 1-1 चम्मच करके आप 2 से 3 बार ऐसे पानी डाल करके इस तरीके से भूनिए, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है और काफ़ी बढ़िया स्मूद हो जाता है मसाला। देखिए अच्छे से सारे चीज़ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे छोले। तो यहाँ पर हम सारा छोले एक साथ ही डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। इसके बाद इसमें आपको जितना पानी का ज़रूरत लगे आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, अभी मैं इसमें चाय पत्ती वाला पानी डालूँगी। मैंने 5 मिनट तक लगभग उबाल लिया था चाय पत्ती वाले चाय पत्ती डाल के, 2 चम्मच चाय पत्ती डाल करके इसको 5 मिनट उबाल लिया था ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है चाय पत्ती वाला पानी और इसको हम मिला देंगे। देखिए ये पानी डालने के बाद बिल्कुल बाजार जैसा ही कलर आ जाता है। अब इसको 5 से 6 मिनट तक इसको हम पका लेंगे और लो फ्लेम पे, ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। इसको हम 5-6 मिनट तक पकने देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। आपको अगर ज़्यादा जिस तरह का चाहिए इसमें ग्रेवी, उस तरह से आप पानी डाल लीजिए, ज़्यादा कम। जैसे अगर पतला चाहिए आपको छोले तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिए, अगर गाढ़ा चाहिए तो इतना ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको 5-6 मिनट तक पका लिया है लो फ्लेम पे और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। और ये ठंडा होने के बाद और ये गाढ़ा बाद में हो जाता है। तो अब हम ऊपर से डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी थोड़ा सा, आप ऊपर से चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, काफ़ी बढ़िया सा इससे टेस्ट आता है, काफ़ी बढ़िया सा खुशबू आता है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको सर्व कर लीजिए। और देखिए कितना बढ़िया हमारा छोले बना है, कितना बढ़िया सा कलर आया है, बिल्कुल बाजार जैसा ही। इसको आप भटूरे के साथ या पूरी के साथ या चावल के साथ किसी के भी साथ खाइए, छोले का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, किसी के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।